हाय एवरीवन, सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो इट सेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो। सो व्हाट इज गिवन, हमारे पास एक स्फीयर इस तरह से, एंड इस स्फीयर के सेंटर पे हमारे पास एक डाइपोल है। डाइपोल किस तरह से होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, एंड इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, लेट्स से 2a, राइट। नाउ अगर हम इस स्फीयर की बात करते हैं, सो बेसिकली ये क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस के लिए जो गॉस लॉ है, दैट इज टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। सो टोटल जो चार्ज है क्यू इनक्लोज्ड, दैट इज जीरो, राइट। सो क्यू इनक्लोज जीरो है, सो टोटल फ्लक्स कितना होगा इस क्लोज सरफेस से, दैट विल बी जीरो। सो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर। आप देखो कि हमारे पास दो चार्ज है ना, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। लेट्स से पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दैट इज यू नो ई वन, एंड नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी लेट्स से ई टू। कोई भी पॉइंट लेता हूँ मैं इस स्फीयर पे, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जो ई वन होगा, वो देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉइंट ए पे, वो अवे फ्रॉम द चार्ज ई वन इस डायरेक्शन में होगी, राइट। और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई टू, वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, सो इस डायरेक्शन में ई टू। क्या ई वन और ई टू सेम है? ऑफकोर्स नहीं। आप देखो पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से, वो कम है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, दैट्स वाई जो ई टू होगा वो कम होगा, ई वन ज्यादा होगा। सो ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट ए पे, वो ई वन माइनस ई टू बाहर की तरफ होगी। सो पॉइंट ए पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? नहीं है। सो क्या इस स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? ऑफकोर्स नहीं होगी। सो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनी वेयर ऑन द स्फीयर। हाँ, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। अब कोई भी, अब देखो अगर मुझे इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए है, देन ई वन और ई टू के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए। अगर हम कोई भी एक रेंडमली पॉइंट लेते हैं, लेट्स से पॉइंट बी इस सरफेस पे, देन पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ, मीन्स यू नो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई टू, वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया आपका ई वन और ये हो गया ई टू। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों का वेक्टर सम होगी। सो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से रही। सो आप देखो कोई भी पॉइंट उठा के देख लो इस स्फीयर पे, आपको E1 और E2 के मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए और उनके डायरेक्शन भी अपोजिट चाहिए। अगर आप E1 और E2 के मैग्नीट्यूड सेम चाहते हो, देन आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वो सेम लेना चाहिए। सो लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने पॉइंट सी, सच दैट यू नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है पॉइंट सी का वो सेम है, बट क्या डायरेक्शन अपोजिट होगी E1 और E2 की? E1 की डायरेक्शन क्या होगी? ईवन की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में ईवन होगा, और जो ई टू होगा वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। आपने ईवन और ई टू के मैग्नीट्यूड तो सेम कर लिए बट डायरेक्शन अपोजिट नहीं कर पाए। सो कोई भी रैंडम पॉइंट उठा के देख लो, ईवन और ई टू के अगर मैग्नीट्यूड सेम होंगे देन डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी। सो यू कैन से कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं हो सकती। सो ऑप्शन सी जो है वो सही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन अ सर्कल ऑफ द स्फीयर। नहीं, अब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो जीरो नहीं है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो ऑन द सर्कल, राइट। सो एक्चुअली वो यू नो पोटेंशियल की बात कर रहा है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लाइक अगर आप पॉइंट सी पे पोटेंशियल देखोगे तो वो जीरो होगा, बिकॉज पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण। एनीवे पोटेंशियल की बात हम नहीं करेंगे। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड। बेस्ट ऑफ लक। बाय।